गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश में हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले है फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। ये आपको बॉक्स दे रखा है, इसमें से आपको आईएनजी वाले वर्ड चूज करके राइट वर्ड और इनमें फिल करने हैं, जो करेक्ट वर्ड वो फिल करना है। हमारे ऑप्शन है ब्रिंगिंग, बार्किंग, ब्रिंगिंग मतलब लाना, बार्किंग भौंकना, राइडिंग चलाना साइकिल वगैरह, क्लीनिंग साफ करना, डांसिंग नाचना, चैटरिंग मतलब गपशप करना, कुकिंग खाना बनाना, प्लेइंग खेलना, फॉलिंग गिरना, राइजिंग निकलना या उठना। ही इज डैश ए बाइसिकल, वो साइकिल चला रहा है यानी कि राइडिंग। पापा इज डैश मिल्क, पापा क्या लाए, दूध, ब्रिंगिंग। बॉय इज डैश शूज, बॉय क्या साफ कर रहा है, जूते यानी कि क्लीनिंग शूज। डॉग इज, कुत्ता क्या कर रहा है, बार्किंग भौंक रहा है। द सन इज डैश इन द स्काई, आसमान में क्या निकल गया, सूरज तो यानी कि राइजिंग। बटरफ्लाइज आर डैश, तितलियां क्या कर रही है, डांसिंग नाच रही है। बॉल इज फॉलिंग, बॉल क्या है, गिरी, गिर रही है। मंकीज आर चैटरिंग, मंकी जो मंकी के बोली को हम क्या बोलते हैं, चैटरिंग, मंकी की साउंड होती है और वैसे हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में गपशप करना मतलब ये सब भी बोलते हैं। मॉम इज डैश डिनर, मॉम डिनर क्या कर रही, पका रही है यानी कि कुकिंग। रोहित इज डैश चेस, रोहित चेस खेल रहा है यानी कि प्लेइंग। तो ये हमने राइट आईएनजी वर्ड इसमें फिल किए। इसके बाद राइट 10 नाउन वर्ड्स, आपको यहाँ पे कोई भी 10 नाउन वर्ड्स लिखने हैं, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, कोई भी हो, लेकिन आपको इधर 10 नाउन वर्ड्स लिखने हैं, आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है मेक अनकाउंटेबल नाउन्स काउंटेबल, ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन दे रखे, इनको हमें काउंटेबल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, बॉक्स में से हमें हेल्प लेनी है, जैसे कि एक ग्लास ऑफ, एक मतलब एक ग्लास भर के, ए पैकेट ऑफ, एक पैकेट वाला भर के, ए कैन ऑफ, ए स्लाइस ऑफ, ए हीप ऑफ, ए पीस ऑफ, ए बॉटल ऑफ, ए कप ऑफ, ए प्लेट ऑफ। तो हम कैसे करेंगे इसको, जैसे चीज़, चीज़ अगर ऐसे लिखेंगे तो खाली ये अनकाउंटेबल बन जाएगा, तो हमें इसको काउंटेबल कैसे बनाना है, ए स्लाइस ऑफ चीज़, पनीर का टुकड़ा। चॉकलेट इसको कैसे बनाएंगे, ए पैकेट ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का पैकेट। जूस, ए कैन ऑफ जूस, जूस का डिब्बा। मिल्क, ए ग्लास ऑफ मिल्क। केक, ए पीस ऑफ केक, हमने इधर इनको काउंटेबल बना दिया। टी, ए कप ऑफ टी। शुगर, चीनी जो होती है, ए हीप ऑफ शुगर, शुगर का ढेर, चीनी का पूरा। एक बटर, ए प्लेट ऑफ बटर, एक प्लेट भर के बटर। तो इन अनकाउंटेबल नाउन को हमने काउंटेबल नाउन बनाया है बॉक्स में दिए वर्ड्स की हेल्प से। आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।